हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंगरखा स्टाइल ट्यूनिक टॉप बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये 1 मीटर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। टॉप की लेंथ में 13 इंच रखूँगी यानी कि 13 इंच और शोल्डर में 7 इंच रखूँगी और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7 इंच रखूँगी। 7 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट आपकी जो भी हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है और बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊँगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊँगी और दोनों निशानों पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और नीचे से हम कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की चौड़ाई में 3.5 इंच रखूँगी और पीछे की गले की लंबाई में 2.5 इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाई में 6.5 इंच रखूँगी। और बैक नेक के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और फ्रंट नेक के लिए हम वी शेप ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अभी हम इसमें से 1 पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आएगा और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रख देना है और इसका नेक हम ड्रॉ कर देंगे। इसका आधा पार्ट ही हमें आएगा, इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना है और इसका एक साइड का आर्म होल भी ड्रॉ कर देंगे और फ्रंट नेक को भी हम आधा ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे और जो हमारा फ्रंट का नेक है उसे हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और इसे कट कर देना है और नेक के लिए हम इसमें छोटा सा कट लगा देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से आएगा। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 40 इंच रखी है। इसमें हम गैदर्स बनाएंगे इसलिए इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा लेनी है। सबसे पहले हम बैक नेक पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे और फ्रंट नेक के लिए मैंने इसी शेप की स्ट्रिप कट की हुई है, इसे भी हम नेक पर रखते हुए सिलाई लगा देंगे और पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे और जो हमने एक्स्ट्रा पीस कट किया है वहाँ पर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर देंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर दी है फ्रंट और बैक पार्ट में और जो मैंने एक्स्ट्रा पीस कट किया है वहाँ पर भी मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर दी है। अभी हमें इसके नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करना है और इसमें हम सिलाई लगा देंगे और साइड की जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। एक साइड से हमें इसे रखना है और इसके शोल्डर पर और आर्म होल पर और साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर का पार्ट हम खुला रखेंगे। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ऊपर का पार्ट मैंने खुला रखा है। अभी हम इसे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें एक पीस को लेना है और फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें इसे प्लीट्स लगाते हुए अटैच करना है। ऊपर का पार्ट हमें ऊपर की साइड निकाल लेना है और इसके ऊपर हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। पूरे टॉप पार्ट के ऊपर हमारी जितनी भी प्लीट्स आएगी उतनी हमें प्लीट्स लगा लेनी है और बैक पार्ट के ऊपर भी हमें इसे प्लीट्स लगाते हुए अटैच करना है। इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें बॉटम का पार्ट अटैच कर दिया है फ्रंट पार्ट के ऊपर और बैक पार्ट के ऊपर। फ्रंट और बैक के बॉटम पार्ट को मैंने इसमें अटैच कर दिया है प्लीट्स लगाते हुए। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी इसके आर्म होल पर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। दोनों आर्म होल पर मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर दी है
अभी जो हमारा एक्स्ट्रा पीस हमने लगाया है उसके ऊपर मैं डोरी अटैच करूँगी। तो डोरी को हमें अंदर की साइड से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और इसके सामने हम दूसरी डोरी अटैच करेंगे, इसके सामने ही हमें दूसरी डोरी को रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसे उल्टा कर देंगे और ऊपर से 2 इंच का गैप देते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे। दूसरी साइड भी 2 इंच का गैप देते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इसकी फिटिंग कर दी है दोनों साइड से। और इस डोरी को हम साइड पर टाई अप कर देंगे। डोरी के ऊपर मैंने फैब्रिक लटकन्स लगा दिए हैं। तो इसी के साथ ये हमारा अंगरखा स्टाइल ट्यूनिक टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।